कितनी शराब पी आपने? वो किरदार कैसे आया भाई? बड़ा कमाल किया था आपने. मेरे पिताजी काफी ठीक ठाक. भगवान की कृपा से उनका नाम काफी नाम. और इत्तेफाक से जब मैं यहाँ पर आया तो ये रतनूरा जो मुझे मिले वो भी एक टैक्सी ड्राइवर थे और वो भी शराबी थे. वो कैरेक्टर एक कमाल था, मतलब उसको देखते ही प्यार हो गया उस कैरेक्टर से. भाई हम दोबारा देखना चाहते हैं, प्लीज एक बार हो जाए. जी भाई प्लीज. रतन नूरा टैक्सी ड्राइवर थे, एकदम दुबले पतले, एकदम फनी बोन, हड्डी का ढांचा एकदम. लेकिन हमेशा मरने और मारने की बात करेंगे हमेशा. का देख रहा है बे? अबे फिर देख रहा है? अबे फिर देख रहा है? साले उठा के पटक दूंगा, पैरों तले कुचल दूंगा, का देख रहा है? और रात के 12 बजे के बाद जब वो रेस्टोरेंट बंद होता था, वहां खाना खाने आते थे बंद होने के बाद, और वो साउथ इंडियन लोगों का था, साउथ इंडियन के जो सेठ लोग होते ना, वो 4-5 लोग बैठे हुए, उनको धमकी दे रही है. खाना दो. खाना दो. है नहीं आ रहा है? सब खुद खा गए का? अबे तुम्हारा नाम अन्ना है तो अन्न दो. अरे वो होटल बंद हो गया रे, अभी जाओ. वो बेचारे सरेंडर कर देते थे. उसको पता था कि एक थप्पड़ भी मारूंगा तो दफा 302 का केस है ये. और फिर लोकल एरिया के नेता का नाम लेता था. रमाकांत शिंदे का नाम सुना है? बोले हाँ. आप कोई कनेक्शन है? उसका ड्राइवर हमारा दोस्त है. साले होटल टोटल बंद करवा दूंगा, समझे? भावनाओं को समझो. अब एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया, टीबी के मरीज थे. तो मुझे ऐसा लगता है कपिल साहब यहाँ से जाकर शायद ऊपर वाले से उन्होंने कहा होगा, कैसा आदमी है तू भगवान, हमको जल्दी बुला लिया, अभी तो बहुत कोटा बाकी था. चल अब ये बुला ही लिया है भगवान तो हमारी एक रिक्वेस्ट सुन ले. वो धरती पे दिख रहा है साला स्ट्रगलर? हाँ वही सुनील पाल, सिर्फ हड्डी नहीं है खाल. हमको जो कुछ दे सकता था उसको दे दे. क्या बात है. हमको तो टीवी वाला बनाया, उसको टीवी वाला बना दे. एक काम कर भगवान, हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर. बोले क्या है? हमारा नाम ही उसको दे दे. तो हमारा नाम है रतन नूरा और आपके बिना हम हूँ अधूरा. काहे कि आप ही हमरे काशी और मथुरा, और आपको जो नजर लगा वो है धतूरा. और आज फिर वही बात कहूंगा कि राजू भाई के लिए जब आए हैं यहाँ पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, सोचा भी नहीं था कि कभी उनके बिना भी हम कोई महफिल सजाएंगे. बस यही कह सकते कि राजू भाई ने जो कुछ हम शागिर्दों को सिखाया, शिष्यों को सिखाया, कोशिश करें कि उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए. वो तो आसमान है और आसमान की तरह चमकेंगे, बस उनके चरणों की धूल हम तक पहुंचे और हम हंसाते रहे, बस हमारी यही कोशिश रहेगी. थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू, लव यू. एहसान भाई हमारे, आप सब जानते हैं इनका अंदाज जो है बड़ा निराला है. एहसान भाई जब जिस चीज को सुनाते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि हम लोगों को ना कभी कभी जोक का सहारा लेना पड़ता है या कुछ ना कुछ ऐसा. एहसान भाई का ऐसा स्टाइल है मजेदार कि जो शुरू होते हैं जब गर्दन हिलानी. एहसान भाई जो आप गर्दन हिलाते हैं जी, मैंने देखा बिना गर्दन हिलाए आपका पंच निकलता नहीं, मुंह में फंस जाता है कि आप हिला के निकालते हैं. ये कैसे शुरू हुआ एहसान भाई? क्योंकि निजी जिंदगी में ये बड़े सीरियस भी हैं, ऐसी बात नहीं कि, पर ये कैसे आपके मन में आया कि मैं ये ऐसे करके लोगों को हंसाऊंगा? मेरे बाल बहुत बड़े हुआ करते थे जी, तो आंखों में आ जाए तो उनको पीछे देखते. लोग समझ गए यार यही अंदाज अच्छा है. मैं दिल से कुछ बातें करना चाहता हूँ जी. जी प्लीज जी. क्या बात, बेहतर. द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में जब मेरी एंट्री हुई
शेखर जी बैठे, सिद्धू जी बैठे, आज तो लेडी सिद्धू हैं, प्रणाम करता हूँ। तो सर मैंने सिर्फ दो लाइन बोला, सिद्धू जी ने ठहाका लगाया शेखर जी ने, तो मैंने कहा ये चल जाएगा, ये हंसे तो दुनिया हंसेगी। सिर्फ दो लाइन बोला था, मैं कविताएं सुनाता हूँ दो या तीन, मैं कविताएं सुनाता हूँ दो या तीन, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। मेरी थोड़ी कपिल भाई हिम्मत बढ़ी जी, फिर पिटारे में से दूसरा सामान निकाला। कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया। कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लूंगी धोया रुमाल हो गया। दुकानदार बोला बियर्स के आंसू मत बहा, जाके तू भी उसी साबुन से नहा। वाह वाह वाह। तो फिर ये स्टाइल को पूरे देश ने प्यार किया, आप सबका आशीर्वाद रहा, 24 देशों तक गया सर। वाह वाह। इस मंच को सलाम। 24 देश जाने के बाद एक ही चीज मन से कहता हूँ, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। और राजू भाई को सलाम। इस माटी को सलाम करता हूं, इस पवित्र धरती को सलाम करता हूं, और दुआ करता हूं आज के हालात देख के कि अगर 7 जन्म मिले, 7 जन्म इसी देश में जन्म लेना चाहिए, क्योंकि ये देश बड़ा विशाल और महान है। महान क्यों है, मैं 4 लाइन स्टाइल से सुनाता हूँ कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े। क्या बात है, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू भाई मेरे। वाह वाह। अगर वक्त हो तो एक दो बात और कर लूं। जी जी प्लीज प्लीज। बहुत काम की बात जी, जी। अच्छा अर्चना जी, अर्चना जी, आप में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, आप में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। जी, अच्छा अर्चना जी को तो दुआ दे दिया, अब सब देख रहे हैं हमको बद्दुआ देगा क्या? नहीं, मैं आप सबको भी दुआ देना चाहता हूँ। आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की हाइट की तरह बढ़े, और आप सबके दुख रणवीर कपूर के कपड़ों की तरह घटे। रणवीर सिंह सॉरी हाँ ये एडिट कर देना, हाँ नहीं तो क्लेम बन जाए। आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की तरह बढ़े, ये ऐसे ही रखना। हाँ, और आप सबके दुख रणवीर सिंह की तरह, रणवीर सिंह के कपड़ों की तरह घटे। रणवीर सिंह जी के कपड़ों की तरह घटे। मैं दिल से राजू भाई को सलाम करता हूँ, राजू भाई को। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और राजू भाई को हम लोगों की सब कॉमेडियन जमात की तरफ से 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि आज ये हंसी की महफिल आपके नाम करता हूँ, आज ये हंसी की महफिल आपके नाम करता हूँ, राजू भाई आपको दिल से सलाम करता हूँ। वाह जी। हमेशा याद करेंगे तुमको जमाने वाले, कहाँ जाके छुप गए सबको हंसाने वाले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, धन्यवाद आसान भाई, बहुत बहुत। अर्चना जी मुझे एक बात याद आई, जब हम लोग सब लाफ्टर चैलेंज कर रहे थे ना, तो पाकिस्तान से बहुत फनकार आए थे, हमारा सौभाग्य कि हमें मिलने का मौका मिला। सुनील भाई आपको याद होगा, मानुल्ला खान साहब, इतने बड़े फनकार अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक बात कहते थे कि यार जो भी कॉमेडी करता है ना, हमेशा गरीब का बच्चा करेगा,
इसलिए आपको इस मंच पे आज कोई अमीर का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा होगा। आगे इनके बच्चे अमीर हो गए वो ऊपर वाले की कृपा है। तो किस बात से मैंने शुरुआत की थी ना कि जैसे हमने कहा कि सुनील भाई को किरदार करते हुए देखा या राजू भाई को देखा कि सब निजी जिंदगी में से हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही नवीन भाई ने जब बार गर्ल का करेक्टर किया। नवीन भाई जवानी के कितने साल गुजारे हैं आपने बार में? जेन्युइनली पूछ, कहां से पकड़ा था आपने किरदार? बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गया था, आई कैंट कॉन, इतना मजेदार था और इतना स्वीटली आप करते हैं। वैसे ये बड़े जेंटलमैन आदमी हैं, एक्टर भी हैं, फिल्में भी करते हैं, सीरियस काम भी करते हैं और ये अभी इनका रूप रूप लगता नहीं कभी बाहर में गए होंगे। या एब्सोल्युटली इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस और हम लोग कैरेक्टर ढूंढते हैं जी। सो ये कैरेक्टर मिला था लोखंडवाला में। अच्छा, तब वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड मोबाइल के 16 रुपये इनकमिंग, 16 रुपये आउटगोइंग होता था। उस वक्त मेरा फ़ोन था और मोबाइल जब आया था तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जाके सीधे पीसीओ में जाके चुपचाप कोई देखे नहीं जाके वहाँ से कॉल करता था। तो उस वक्त ये कैरेक्टर वहाँ पर ऑलरेडी अंदर थी, बार गर्ल। अच्छा, तो मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज़ को कॉपी किया और स्क्रिप्ट मैंने अपने डाल दी। अच्छा, तो rest is a history. मुझे आज देखना है कि मिमिक्री के पंच पे आप लोग कितनी जल्दी हंस पाते हैं। ठीक है, अमरीश और गुलशन एक पार्टी में मिल गए, टल्ली पार्टी थी और अमरीश पुरी ने गुलशन ग्रोवर से पूछा, ओए गुलाटी सामने वाली औरत को देख रहे हो? देख रहा हूँ, आधे घंटे से उसी को देख रहा हूँ। उसकी साड़ी देख रहे हो? देख रहा हूँ, मैंने दी है। 15 मिनट के बाद फिर बोले, उसके कान के झुमके देख रहे हो? देख रहा हूँ, मैंने दिए है। 15 मिनट के बाद गुलशन ग्रोवर बोले, उसके बाजू में खड़ी बच्ची देख रहे हो? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.